हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज आपके सामने टॉपिक है टॉन्सिल स्टोन। आखिर दोस्तों, हमारे मुंह में टॉन्सिल स्टोन किस प्रकार बनते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टॉन्सिल्स दोस्तों व्हाइट या येलो कलर के स्टोन्स होते हैं जो हमारी टॉन्सिल्स के अंदर बनते हैं। टॉन्सिल्स हमारे गले में मौजूद लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं जिनमें लिम्फोइड सेल्स मौजूद होती है। टॉन्सिल्स का काम हमारे मुंह में एंटर होने वाले बैक्टीरिया वायरस को किल करने का होता है। दोस्तों, हमारी टॉन्सिल्स में स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें टॉन्सिलर क्रिप्ट कहा जाता है। जब दोस्तों हम फूड खाते हैं तो फूड में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस टॉन्सिलर क्रिप्ट में एंटर होते हैं, जहाँ पर मौजूद लिम्फोइड इन बैक्टीरियाज के वायरस को किल करने का काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद टॉन्सिलर क्रिप्ट में फूड के पार्टिकल्स, म्यूकस और डेड सेल्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं जो फूड की लम्स तैयार करते हैं, और वक्त के साथ साथ यही लम्स कैल्शियम की उपस्थिति से हार्ड होकर टॉन्सिल्स बन जाते हैं। टॉन्सिल्स स्टोन ज़्यादातर अपने आप ही बनते हैं और अपने आप ही गिरते हैं, लेकिन यह स्टोन बाद में साइज में बड़े होकर टॉन्सिल्स के अंदर ही फंसे रह जाते हैं। जब टॉन्सिल्स में कोई बड़ा टॉन्सिल्स स्टोन बन जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे गले में कुछ चीज़ फंसी हो रखी हो, जिसकी वजह से दोस्तों उस बंदे को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। इसके साथ साथ दोस्तों टॉन्सिल की वजह से मुँह से बहुत बुरी स्मेल भी आती है। टॉन्सिल स्टोन को रिमूव करने के लिए दोस्तों उस पर ही स्वेव या फिर वाटर की सहायता से आप रिमूव भी किया जा सकता है, या फिर किसी गले के डॉक्टर से रिमूव करवाया जाता है। कुछ लोगों में टॉन्सिल स्टोन की दोस्तों बार बार शिकायत रहती है, ऐसे लोगों को टॉन्सिल लेक्टोमी परफॉर्म करवानी चाहिए। इसमें दोस्तों सर्जरी के जरिए टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।